कपूरथला की पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में स्टेट लेवल की क्विज प्रतियोगिता में पहुंचे पंजाब के शिक्षा मंत्री और श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब के खजाना मंत्री की ओर से पंजाब के कर्ज माफी की मांग को एक बार फिर से उठाया है और माना है कि पंजाब के किसानों को खुशहाली के लिए पंजाब में कर्ज माफी को मान केंद्र सरकार को प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय पैकेज देना चाहिए। चीमा ने कहा कि ऐसी मांग करना हमारा फर्ज है, पर फैसला केंद्र सरकार के पास पर उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी ये मांगे मान ली जाएंगी। इस मौके के दौरान शिक्षा मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियां गिनवाना नहीं भूले, जिसमें उन्होंने सेहतमंद शिक्षा माहौल मुख्यमंत्री विज्ञान यात्रा का खास तौर पे उल्लेख किया। देखो पहला भी असं क्या है कि पंजाब का राइट बनता है कि जो स्पेशल पैकेज जो नेबरिंग स्टेट्स को मिलिया उसका सानू रेवन्यू लॉस होता, साड़ी इंडस्ट्री जी नवी लगनी होंगी है वो अफेक्ट होंगी है, पुरानी इंडस्ट्री पर भी असर पैदा तो सानू इदा का पैकेज मिलता है। किसानी वास्ते भी जिते लोड़ पैंदी है उत्थे असीं आवाज रेज करते हैं कि मतलब कि एज फाइनेंस मिनिस्टर साड़ी जिहड़ी हैगी टिंसा साहब की ड्यूटी आ वधिया तरीके नाल ड्यूटी कर रहे हैं। ये चीज़ा अपना केस नहीं प्लीट करांगे तो फिर अदरवाइज फंड नहीं मिलते, फंड लैण वास्ते मेहनत करनी पैंदी है और अच्छी तरह मेहनत कर। विधानसभा चोणां तों पहलां पहलां मिल जाएगा पैकेज, की सोचते हो, उम्मीद की है? देखो मंगना साडा काम हुंदा, अपना केस प्लीट करना स्टेट गवर्नमेंट का काम हुंदा, लेकिन देना नहीं देना फाइनेंस कमीशन का जो वित्त मंत्री है उन्होंने मेहनत, सानू आस है कि बेटर हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मच। कपूरथला से अजार टीवी न्यूज के लिए निर्मल सिंह की रिपोर्ट।